हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए पोचू बनाना सिखा रहे हैं। देखिए, ये हमने पोचू बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइए। देखिए, ये हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। इसको पहले एक बार डबल कर लेते हैं, फिर दूसरी बार डबल कर लेते हैं, फिर इस तरीके से कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमने 18 इंच का है ये हमारा लेंथ। यहाँ से भी हम 18 इंच पर निशान लगा देते हैं। चारों तरफ से हम इस पर 18 इंच का ही निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरीके से इसमें बिल्कुल ऊपर की तरफ से एक सार मापते हुए 18 इंच की इस तरीके से माप के बिल्कुल एक सार गोलाई कर देते हैं और इसको काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये हमारी 4 तहें हुई हुई है। देखिए, यहाँ 2.5 इंच पर हम गले का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और लंबाई में 2 इंच का लगाते हैं। इस तरीके से हम इसको गोलाई दे देते हैं। फिर ये हमने इस तरीके से कर दिया है। अब हम इसको गोलाई में काट लेते हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमारा गला कट गया है। अब हम इस तरीके से आगे का गला थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको लंबाई में। देखिए, यहाँ से हमारा 2 इंच का कटा हुआ है। 2 इंच पर लंबाई और बढ़ा लेते हैं हम। 4 इंच का इसका गला कर लेते हैं। 2 इंच पहला कटा हुआ है, 2 इंच अब काट लिया है। इस तरीके से निशान लगाकर 1 इंच पर यहाँ से निशान लगाकर इसमें गोलाई कर देते हैं इस तरीके से। अब हम इसको काट लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का गला हो गया है। देखिए, इस तरीके से ये हमारा बैठ गया है। ये फ्रंट है, ये बैक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक। देखिए, ये हमने लेस ली है इस पर लगाने के लिए। इस लेस को हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके धागे नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो हम इस तरीके से इसको एक बार मोड़कर तब लेस लगाते। धागे नहीं निकल रहे हैं, नेट के धागे नहीं निकलते हैं, इसलिए हम इस पर इसी तरीके से खोलकर ही लेस लगा लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इस पर चारों तरफ लेस लगा लेते हैं। ये हमने इस पर चारों तरफ लेस लगा ली है। अब हम इसको, ये हमारा जॉइंट आ गया है। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं और दोनों तरफ से दोबारा से एक सार करके इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा सेट हो गया है लेस। देखिए, ये हमारी चारों तरफ इस तरीके से लेस लग गई है। अब हमारा ये गला है, इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ये बचे हुए हमारे कोने के कपड़े हैं, इसमें से हम इसको एक सार करते हुए पाइपिंग काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 1.25 इंच की पाइपिंग काटते हैं हम। ये देखिए, हमने पाइपिंग काट ली है। अब हम इसके जोड़ को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको सिलाई लगा देते हैं। अब हम पाइपिंग को गले में लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसको साइड से रखते हुए इस तरीके से एक पैर की सिलाई लेते हुए, मशीन के एक पैर की सिलाई लेते हुए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हम इस पर सिलाई लगा देते हैं चारों तरफ। हल्की हल्की सी हम पाइपिंग को खींचते हैं। फ्रेंड्स, पाइपिंग को ज़्यादा नहीं खींचना है। देखिए, इस तरीके से हम चारों तरफ पाइपिंग लगा लेते हैं हल्का हल्का सा खींचते हुए। अब ये हमारा पाइपिंग का जोड़ आ गया है। इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से इसका जोड़ जोड़ लेते हैं। ये हमने इसका जोड़ जोड़ लिया है। अब हम इसको एक सार कर लेते हैं यहाँ से। अब हम इस पर इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए और इसको इस तरीके से मोड़ते हुए पाइपिंग के बिल्कुल नीचे की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। आप अगर तुरपाई करना चाहती हैं तो पाइपिंग पर तुरपाई भी कर सकती हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए पाइपिंग के बिल्कुल नीचे नीचे इस पर सिलाई लगानी है। पाइपिंग पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हम
चारों तरफ अपने सिलाई लगा लेते हैं पाइपन पर। ये हमारी सिलाई लग गई है, देखिए ये हमारा गला बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम गले पर भी इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लेस लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, नहीं तो ऐसे भी गला रहने दे सकती हैं। इस तरीके से चारों तरफ हल्के हल्के हाथ से इसको चारों तरफ पाइपिंग लगा लीजिए। ये देखिए हमने इस तरीके से इस पर पाइपिंग लगा ली है। अब ये हमारा यहाँ पर जोड़ा गया है, हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं सिलाई लगाकर। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग तैयार हो चुकी है लेस लगकर। अब हम ये बो बनाते हैं। बो आप जितनी भी लंबी चौड़ी लेना चाहें उसी हिसाब से कपड़े में से काट सकती हैं। देखिए इस तरीके से हम बो को बीच में कपड़ा करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं। इसकी नोक इस तरीके से निकाल लेते हैं। कैंची की मदद से हम इसकी नोक निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसमें से बीच में से सिलाई लगाकर प्लेट्स डालकर तैयार कर लेते हैं बो को। अब हम इसके बिल्कुल बीच सेंटर में फ्रंट पर इस तरीके से लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने बो यहाँ पर लगा ली है, इस तरीके से सेट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी तैयार हो चुकी है। प्रेस की मदद से लेस को आप सेट कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये पोचू तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।